किसान भाइयों, ये जमाना है आधुनिकीकरण का। यहाँ हर कोई अधिक से अधिक लाभ कमाने की कोशिश में लगा हुआ है, तो आप क्यों पीछे खड़े हैं? अब आपके लिए भी आ गई है एक खास मशीन जिसका नाम है एग्रीकल्चर क्रॉप मशीन। ये मशीन कम समय में अधिक से अधिक अनाज काटती है और मजदूरी के खर्चे से आपको बचाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ये मशीन आपके जिले, आपके क्षेत्र, आपके कस्बे में पहुंचे, तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल करें, अपना ऑर्डर बुक कराएं और मशीन को अपने घर बुलाएं। तो हमें 30 से चल गई, एक बजट ले ली, दूसरा बजट तीसरा लड़े कैले को रुपया। क्या चाची बोली, क्या नाम है? चांदी पहन के घूम रही है चाची, देखिए चांदी है ना है कि गिल्टी है? नहीं, चांदी है। चांदी है हाँ। और ये? ये तो पीतल है। पीतल है। चलिए बताइए क्या समस्या है? का समझता हम बताई बहनी, कवन चीज के आयल बा, कवन चीज के उठी हो? का राजकुमार प्रधान रहला, का देहला का नाय देहला, केना पैसा पवली, केना पैसा? एक बजट आयल तो हमें 30 से चल गई, एक बजट ले ली, दूसरा बजट तीसरा लड़े ना कैले को रुपया के देवे ना कैले। कहीं कहीं पता नहीं कहाँ अलोप हो गई, के खा के बैठ गई बहनी। जब नहीं हम पौली किस चीज का? मकाने के, मकान आयल हल है तो एक बजट आयल, तीस गायब हमें से भइल दूसरा पौली, आ तीसरा बजट में 1 रुपया आइबन कैले, 1 रुपया पाइबन कैले, खेत बेच के बेटिन से कर्जा लेके तब कैसे बनल? अब इन कर्जा सीना पर लदल बा, कैसे दे कैसे निपाय? नहीं तो बेटिन का कर्जा काट के बैठल है 3,00,000 रुपया, अब जी अब तो भरब आ नहीं मर जाब तो बेटी लोग गरियाई है चाहे मर यहाँ। अमर वहाँ बहनी जब तीसरका आइबे नहीं कैल तो कर्जन ले करे पड़ी। टोटल कितना पैसा आया था? टोटल तो आई हल कि 3,00,000 60। का पूछा थे हम, का थे कितना पैसा मिलल हमके, और कितना पैसा मिलल? एक बेर 1,00,000 पौले हई, आ एक बेर 1,30,000। हाँ, ओकर बाद अइबे नै कइल, आ बजट त आइल हल 3,60,000-65,000 के, लेकिन नहीं मिला तो का करे, खेत बेच के घर बनवाउली। तो 2,00,000 से ज्यादा तो किसी को नहीं मिला है गांव में। अगर बात करें 3,65,000 के आना चाहिए तो 2,50,000 से ज्यादा किसी को नहीं मिला। जो लोहिया वास में आयल बहनी ना, तब इतना तना रुपया आवत रहा है उस समय में, जो मकान आयल है लोहिया वास में 3,65,000 आयल है, 25,000 है तो लेबरई आयल, 1 रुपया में कहाँ मिलल ना लेबराई, 1 रुपया मिलल। आ उ 3 बजट में आयल तो 1 बजट मिलबे नहीं कल, एक में पहला बजट में 30,000 चल गई, बीचला बजट अब वहमें से 1,00,000 मिलल बा। अच्छा, जब पैसा आता है तो प्रधान जी मांगते हैं कुछ कि 2,20,000 आया है तो हम 5,000-10,000 दी? तो वो इसी के रेटरी ले लेता हूँ, का करी हमन, अब हमन के काम आलू रही। 10,000 पेंशन वगैरह मिलता है आपको? हाँ, बच्चा पेंशन हम पाए 500 रुपया वाला। हाँ, क्या कह रही है? 10,000 रुपया ले लेते हैं। हाँ, बोलिए भाई, कहाँ गए? 10,000 ले रहा है। कौन है? प्रधान जी की सेक्रेटरी? प्रधान 30,000 कैसा कह दिया? 10,000 30,000 ले रहा है, पहले बजट माल भरी 30,000 ले लिया ना। देखिए भाई, देखिए, हम सिर्फ प्रधान जी ने गाँव को खाने का काम नहीं किया, साथ में अगर बात जमीनी हकीकत की जाए तो जिसके आदमी तभी तक ईमानदार है जब तक उसको बेईमानी का मौका ना मिले। एक बार बेईमानी का मौका मिलते ही ईमानदारी ताक पर चली जाती है, जैसा इन लोगों की बात हम सुन रहे हैं। हमसे भाई प्रधान नहीं ले रहा है, सेक्रेटरी ले रहा है, तो जे हमसे ले लो तो ना जाना, प्रधान नहीं ले रहा तो उनके ना जानते हैं, सेक्रेटरी ले ना तो उनके जानते हैं। अभी देखिए, अभी बता रहे हैं कि अब जाके जब यहाँ पर प्रधान जी लोगों का बस्ता धरा चुका है, तब इस गांव में नाली बन रही है और तब इस गांव में सड़क भी बन रही है। उती बन आई लग बा, कोई पानी टंकी नाली बना था ना वहां? भाई शुरुआत में बना पानी टंकी और बनल बा ना, ओ में रसीद कटल बा 450 रुपया का, अब वो देखा टोटी लगा के वही तार लगा के वो छोड़ल बा, वही हमार लगा बा नहीं कल दुनिया के लगा हमार वही कोई पड़ल बा। कहते हैं कि जब प्रधान जी का बस्ता धरा देता है तो उनकी वो अमूल ताकत उनसे छीन ली जाती है जो गाँव के विकास में उनको मिलती है। तो प्रधान जी का बस्ता धरा चुका है, लेकिन प्रधान जी इतने जुझारू थे अपने ग्राम के विकास के लिए कि अब उनको सुधी आई है कि नाली बनवा लिया जाए। तो अब प्रधान जी इस गांव में नाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन चीज़ पाइप है?
टोटी के पानी पानी हाँ हाँ टंकी नई बड़की बनल वही में सप्लाई हाँ वही में लगल बहन तो तार डार के देखा छोड़ल बा वही से न के खोदे अरे पानी डाला कि नहीं का लगबा नहीं कल पानी कहां जाए टोटी टोटी नहीं लगल बा नहीं ये अब लगा के छोड़ल बा तो कहां पानी जाए जब टोटी टोटी लग जाए तब न जाए तो पैसा दे ला लूं हां 450 रुपया रसीद आइल हल त देले बानी हां भाई एक लगवाइया ना वाटर सप्लाई का ना हां लेकिन लगबा नहीं कल पड़ल बा गाहर के पानी आवे त हमर गरीब बाटी ना हमन के गरीब बाटी हमन के सुनी जेकर हाथ में रही औकात रही जे अमीर रही तेकर सब सुनी के हमन के गरीब के सुनी।